इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 11 अक्टूबर को जो जीके का पेपर हुआ उसमें मैथ के क्वेश्चन की बात करूंगा, एकदम सटीक आंसर की बताऊंगा और क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तो मैथ का आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या बतानी है। तो आपको बेलनाकार टैंक का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपने पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू लिख ली 1408। उसके बाद आपको एच की वैल्यू दी हुई है जो कि 7 मीटर है, तो ये एच या नीचे डिवाइड में चला जाएगा, आप कर लोगे 7। और उसके बाद पाई को भी नीचे ले आओगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो आप 22 और 7 ऊपर, तो 7 से 7 तो कट जाएगा। अब पीछे क्या बचा, आर स्क्वायर बराबर 1408 अपॉन, आपके पीछे बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1408 अपॉन 7 बचा। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 7 के पहाड़े में ये कितनी बार कटेगा, 6 और 4 64 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 64 आया। तो आर बराबर आपके कितना आ जाएगा, 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, तो 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:25 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है, तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो शंकु के आयतन का आपको फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 होता है। तो इसमें आप देख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 होता है, जिसमें आपको एच की वैल्यू अलग अलग दी हुई है और आर की वैल्यू भी अलग अलग निकालनी है। पाई और 3 कट जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, आर वन का स्क्वायर एच वन अपॉन आर टू का स्क्वायर एच टू इजिकल टू, इसकी वैल्यू आपकी दी हुई है 4/25 और एच वन और एच टू की वैल्यू दी हुई है 25/64, यानी कि 25 यहाँ आएगा, 64 नीचे आ जाएगा, यहाँ 64 वैल्यू आएगी वो ऊपर चली जाएगी और ये 25 वैल्यू जो है ये नीचे चली जाएगी। तो अब अपन क्या लिखेंगे, 4 × 64/25×25, तो ये वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू है आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर की। तो आप देख सकते हो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और 64 किसका है, 8 का, तो ये कितने हो गए, 2 × 8 16। नीचे 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और ये 25 किसका है, 5 का, तो 5×5 25, यानी कि 16:25। तो आपका राइट आंसर तीसरे का हो जाएगा डी, 16:25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक प्रश्न और दो कथन फर्स्ट तथा सेकंड नीचे दिए गए, आपको निर्णय लेना है कि क्या कथन में दिए गए आंकड़े दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो पहला पूछा गया है, महिमा कला से लंबी है, तो महिमा को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एम से, जो कि कला से लंबी है, यानी तो ये मैंने चिन्ह लगा दिया और कला को के से लिख लिया। उसके बाद पूछा है, और शीला आशा से छोटी है, तो शीला को मैंने एस से रिप्रेजेंट किया, ये आशा से छोटी है, यानी कि बड़ी कौन है, आशा, तो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको कथन पहला बोला हुआ है कि शीला महिमा से छोटी है, जब आपको पता चला है कि शीला है वो महिमा से छोटी है, इसका मतलब बड़ी कौन है, महिमा बड़ी है। और आगे पूछा है, आशा कला से छोटी है, आशा कला से छोटी है, तो और आशा शीला से बड़ी है, तो इससे आपको क्या लग गया कि सबसे बड़ी महिमा है, उसके बाद कला है, उसके बाद कौन हुई, आशा, और सबसे छोटी शीला। तो यानी कि जब आप दोनों कथन को देखोगे तभी आपको इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड पर्याप्त है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर शांत गैर पुनरावर्त वाले दशमलव को वर्गीकृत किया जाता है, अपरिमेय संख्या में, प्राकृतिक संख्या में, परिमेय संख्या में या पूर्ण संख्या में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है जो 9^2n-4^2n हमेशा किससे विभाजित होगी। तो सिंपल है, n बराबर आप रख दो 1, तो n बराबर 1 पुट किया, 9^2 81 - 4×2^4 16, तो 81 में से 16 के पीछे कितने रहे, 65। अब 65 आप ऑप्शन में देखो किस किस से डिवाइड हो रहे, क्या 65 5 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, क्या 65 13 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, क्या 65 19 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 5 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण स्वार्थिक प्रयुक्त है, पाई चार्ट, आयत चित्र, दंड आरेख या पिक्टोग्राम। तो शायद आपका इसका राइट आंसर पाई चार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे, उसकी पुट करने के लिए आप लिखोगे x, x+3, x+5, x+7, x+10 अपॉन में कितने लिखोगे, जितने ये नंबर है, तो टोटल आपके नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि अपॉन में 5 लिखोगे,
इक्वल टू नाइन कर देंगे, इक्वल टू नाइन करेंगे तो 9 × 5 कितने हुए, 45 हुए। तो आपके एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू 45 माइनस करने ये जो नंबर है सबको जोड़ के 10 × 7 = 17, 17 × 3 = 20, 20 × 5 = 25, यानी कि 25 माइनस करेंगे तो एक्स बराबर 20 आ जाएगा। 20 अपॉन एक्स टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका आ जाएगा 20 / 5 = 4। तो एक्स की वैल्यू अब आपको 4 पुट करनी है, और आपको पूछा अंतिम तीन परीक्षणों का माध्य क्या होगा, यानी कि एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 10 का। तो एक्स 4 पुट करेंगे, 5 + 4 = 9, प्लस 7 + 4 = 11, प्लस 10 + 4 = 14, अपॉन करेंगे कितने 3, तो 11 × 9 = 20, और 20 × 14 कितने हो गए 34, तो 34 / 3। अब ऑप्शन में 34/3 नहीं दिया हुआ है, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको आप 11 से 1/3 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 11 को 3 से गुणा करेंगे 33, 33 + 1 = 34, तो अपॉन में आ जाएगा 34/3। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विशिष्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में प्रोडक्शन को क्यू क्यू पी सी वी बी यू एच पी एम टी लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में ओरिएंटेशन को कैसे लिखेंगे। तो आप देख सकते हो पी के बाद क्यू लिखा है, और उसके बाद आप देख सकते हो अंग्रेजी वर्ड के आर से पहले आता है वो लिखा है, यानी कि आर से पहले क्यू आता है, और उसके बाद ओ के बाद क्या आता है पी आता है। तो इस तरह से, यानी कि एक पहले वाला और एक बाद वाला, तो आपको सबसे पहले ओ के बाद क्या आता है पी आता है, तो आपके 1, 2, 4 ऑप्शन है इसमें से ही होगा। उसके बाद देख सकते हो आर से पहले क्या आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर से पहले क्यू आता है, तो क्यू किस में, अब आपके पास ऑप्शन पहला और चौथा रह गया, तो आप पहले और चौथे को देखोगे। उसके बाद आई के बाद क्या आता है जे आता है, तो ये भी। उसके बाद ई से पहले क्या आता है, ई से पहले डी आता है। उसके बाद एन से पहले, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद ओ आता है, और टी से पहले क्या आता है एस आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ यू है और यहाँ एस है, तो आपका जो क्रम ये रखा है कि पहले बाद वाला और पहले वाला क्रम ये रखा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का 4। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।